वेलकम बैक एवरीवन टू वीडियो प्रोफेसर, नंबर वन प्लेस फॉर एवरी कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर और अ वीडियो मेकर। गाइस मेरा नाम है हर्ष और आज की इस वीडियो में मैं आपको 50 ऐसे नीशेस, टॉपिक्स, आइडियाज बताने वाला हूँ जिस पे आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो। और वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें बता दूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं हर कोई एज का बंदा हर कोई बना सकता है। कुछ एक टॉपिक हैं ऐसे जिसमें आप क्रिएटिविटी या फिर थोड़ी सी इंटेलिजेंस लगेगी कि उस फील्ड में होनी चाहिए आप, तो आप उस फील्ड की थोड़ी सी नॉलेज ले सकते हो और ये वीडियो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है क्योंकि आपको इसमें मैंने इन डेप्थ नीशेज बताए हैं 50। अगर आप चाहोगे तो मैं इसका सेकेंड पार्ट भी बनाऊँगा जिसमें 50 मोर मैं नीशेज बताऊँगा कि इन पर ना कॉम्पिटिशन तो कम है और सक्सेसफुल होने के रेट बहुत ही ज़्यादा हैं। बस आपको डेडिकेटली वीडियो बनानी है और कंसिस्टेंटली और कंटेंट आपका एक नंबर होना चाहिए भाई। ये जो वीडियो है ना ये हर उम्र के बंदे के लिए है क्योंकि हर चीज़ कवर करती है कि कोई ना कोई टॉपिक एक ना एक बंदे के लग ही जाएगा, सूट कर जाएगा। और ये वीडियो तभी काम करेगी जब आप एक्शन लोगे, सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता। बढ़ते हैं हमारी पहली कैटेगरी की तरफ जिसका नाम है पेट्स व्लॉग चैनल। देखिए गाइज, अगर आप कोई भी रैंडमली एक व्लॉगिंग चैनल खोलते हो तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करता हूँ एक व्लॉगिंग चैनल मत बनाइए। लेकिन अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप चैनल ग्रो कर सकते हो तो आप एक पेट अगर आपके पास है तो उस पर बनाओ, या नहीं है तो एक खरीद लो, कुत्ता बिल्ली या कुछ भी, और उसकी डेली लाइफ पे उसके साथ मस्ती मजाक करते हुए, प्रैंक्स वगैरह करते हुए आप वीडियोस बनाओ डेली। और एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो पेट्स को देखना चाहती है, वो आपके ब्लॉग ज़रूर देखेगी। आपकी फैमिली में झगड़े नहीं होते हो तो आप एक चैनल बना सकते हो, अगर होते भी हो या फिर बहुत से लोगों की ऐसी फैमिली में बहुत सारा स्ट्रगल, टेंशन वगैरह रहती है, तो आप एक फैमिली व्लॉगिंग चैनल बना सकते हो जिसमें आप अपनी डेली की फैमिली के साथ मस्ती मजाक करते हुए चैनल बनाओगे और आप अपने ही फैमिली वालों को शेयर करोगे। जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी जॉइंट फैमिली होगी उतना ज़्यादा आपका चैनल ग्रो होता जाएगा और लोग देखना पसंद करेंगे कि एक फैमिली किस तरह रहती है, एक ड्रामा क्रिएट हो जाएगा तो आपका चैनल ग्रो करेगा। आप एक कॉलेज व्लॉगिंग चैनल खोल सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल से निकले हुए स्टूडेंट, मतलब जो 10th या 12th में होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि एक कॉलेज लाइफ कैसी होती है, तो आप एक अपनी कॉलेज की डेली लाइफ से रिलेटेड वीडियोस, प्रैंक्स, मस्ती मजाक करते हुए वीडियोस बना सकते हो और यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हो और एक बहुत बड़ी स्टूडेंट्स वाली ऑडियंस आपको देखना पसंद करेगी और आपका चैनल ग्रो होगा बहुत तेज़ी से। आप कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई जॉब करते हो, जैसे कि आप एक एडिटिंग की जॉब कर रहे हो तो आप उस पर भी एक चैनल बना सकते हो। बहुत से लोग हैं जो देखना चाहते हैं कि एक एडिटिंग की उसमें लाइफ में क्या होता है, क्या बिहाइंड द सीन क्या है, एक इंडस्ट्री में कैसे काम होते हैं। वैसे ही अगर आप फिल्म या एक्टिंग वगैरह उसमें कैरियर में हो तो आप दिखा सकते हो लोगों की क्या क्या स्ट्रगल होता है मेरा डेली लाइफ का, और आपका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो होएगा, लोग देखना पसंद करेंगे बहुत ही, मैं खुद भी देखना पसंद करूँगा ऐसी चीज़। न्यूज़ चैनल, जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब न्यूज़ चैनल हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं भाई। ये यूथ है ना, उनके फेवरेट बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और वो कुछ कुछ करते रहते हैं, नए नए अपडेट्स या कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं डेली, तो लोगों को देखना पसंद है ये ड्रामे वगैरह, तो आप एक यूट्यूब न्यूज़ चैनल बना सकते हो तो बहुत तेज़ी से ग्रो करोगे और बहुत सारी ऑडियंस आएगी आपके पास। बस ये है, कंसिस्टेंट रहना और कंटेंट प्रोवाइड करना लोगों को। लोकल न्यूज़ चैनल खोल सकते हो, मतलब कि आपके शहर में जो भी घटनाएं होती है, जो भी न्यू अपडेट्स आती है या कुछ एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, वो जगह के आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करना है, लोगों को अपना कॉन्टैक्ट दे देना है कि कुछ भी घटना वगैरह होती है तो आपसे कॉन्टैक्ट करें, आप जाके वीडियोज़ बनाना और जितने भी लोकल हज़ार लाखों में संख्या में जितने भी आपके एरिया में लोग रहते हैं वो आपकी वीडियोज़ देखना बहुत पसंद करेंगे और एक लोयल ऑडियंस बन जाएगी आपके। रैप न्यूज़ चैनल खोल सकते हो जहाँ पे आप जो भी अंडरग्राउंड रैपर है या फिर मेन स्ट्रीम रैपर है उनके लेटेस्ट अपडेट्स, उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज, उनके न्यू मतलब जो भी अपडेट्स वगैरह आते हैं वो बता सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आजकल इंटरेस्ट रैप में भी है और बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसमें आपको बहुत सारे व्यूज़ आसानी से मिल जाएंगे। कोई ना कोई नया गेम आता रहता है या फिर जो गेम प्लेस करते हैं यूट्यूब चैनल है गेमर्स के, वो भी नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं और वो कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी गेम में इंटरेस्ट है तो
तो आप एक बहुत ज़्यादा ऑडियंस आपके लिए मिस कर रही है, आपको मिस कर रही है। आप एक चैनल बनाओ और अच्छे से गेमिंग अपडेट्स न्यूज़ डालो और अच्छा तरह से आपका चैनल ग्रो होएगा। टेक न्यूज़ चैनल भी खोल सकते हो जहाँ पे आप नए नए जो भी टेक्नोलॉजी आएगी उसके बारे में बता सकते हो, अपडेट दे सकते हो, कौन सा नया फ़ोन आ रहा है, कौन सा नया टैबलेट आ रहा है। जैसे ही टेक्निकल गुरुजी ने भी एक टेक न्यूज़ करके सीरीज़ चला रखी है, टेक्नोलॉजीज़ भाई ने भी, और एक बहुत ज़्यादा ऑडियंस है जिनका टेक में इंटरेस्ट है, तो वो आपका चैनल देखना ज़रूर पसंद करेगी। अगर आप हनी सिंह के फ़ैन हो, मैं तो हूँ, और उनके ऊपर वीडियोस बनाने से बिल्कुल भी नहीं झिझकते, तो आप हनी सिंह के ऊपर एक चैनल बना सकते हो जिसपे, क्योंकि हनी सिंह की एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो हनी सिंह के नए नए अपडेट्स होते हैं या फिर उनके बारे में कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, कौन सा नया गाना आने वाला है उसके बारे में बताते हुए आप एक चैनल बना सकते हो और बहुत ही तेज़ी से ग्रो होएगा, लेकिन सिर्फ हनी सिंह से रिलेटेड ही वीडियोज़ बनाना। एक यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड एक चैनल बना सकते हैं जहाँ पे आप यूट्यूब को चैनल को कैसे ग्रो करें, वीडियोस कैसे वायरल करें, किस तरह से हमें वीडियोस बनानी चाहिए, क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो सब बता के आप क्रिएटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो और बड़ी ही लॉयल्टी के साथ अपना चैनल बूस्ट कर सकते हो और बहुत सारे लोग आपको देखना पसंद करेंगे जिनको अपना चैनल। इंस्टाग्राम तो हम सभी यूज़ करते हैं, तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी एक चैनल बना सकते हो जहाँ पे आप इंस्टाग्राम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताओगे और फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज करते हैं, एंगेजमेंट कैसे बढ़ाते हैं, कैसे ग्रो करते हैं इंस्टाग्राम पर, ये सब सिखाओगे और बहुत ही बड़ी कंटेंट क्रिएटर्स की भरमार है इंस्टाग्राम पे। और एक पर्सनल ब्रांडिंग नाम की भी चीज़ होती है कि एक बंदे को अपना इंस्टाग्राम पेज ग्रो करना हो तो वो भी आपकी वीडियोज़ देखना पसंद करेगा। व्हाट्सएप टिप्स एंड ट्रिक्स, इसके ऊपर भी आप एक चैनल बना सकते हो क्योंकि व्हाट्सएप तो हर कोई यूज़ करता है, हर एक एज का बंदा, तो आप व्हाट्सएप की नई टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हो, फीचर्स जो लोगों को नहीं पता या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप से जिससे हम व्हाट्सएप को और ज़्यादा कूल कर सकें वो भी आप बता सकते हो। और बहुत सी ऐसी चीज़ है जो व्हाट्सएप, सिर्फ आप व्हाट्सएप को ही टारगेट करते हो अपनी वीडियोज़ बनाना, आपके पास एक ह्यूज ऑडियंस आएगी, बस कोई और वीडियो ना बनाना व्हाट्सएप को छोड़कर। लाइफ में तो हर किसी को दिक्कत आती रहती है, तो आप एक लाइफ हैक से रिलेटेड चैनल बना सकते हो जिसमें आप लाइफ की टिप्स एंड ट्रिक्स बताओगे जिससे कि लोगों की डेली लाइफ इजी हो जाए, क्योंकि हर बंदा भी देखना पसंद करेगा कि उनकी जो ज़िंदगी में जो काम है वो और भी ज़्यादा इजी और कम टाइम कंज्यूम करके हो सकें, तो बहुत अच्छी तरह से आपका चैनल ग्रो होगा बस लाइफ हैक से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहना। गार्डनिंग चैनल, जिसमें आप लोगों को बताओगे कि वो पौधे कैसे उगा सकते हैं, उनकी केयर कैसे कर सकते हैं, पानी वाले पौधों की कैसे केयर करनी है, मिट्टी वाले की उनको खाद क्या देनी है, उनको क्या कुछ खिलाना पिलाना है, कैसे पानी देना है, ये सब इंडोर प्लांट्स आउटडोर प्लांट्स ये सब बताना है। अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस को मिस कर रहे हो, बहुत बड़ी ऑडियंस आपको मिस कर रही है, आप चैनल बनाओ आपके साथ जुड़ जाएगी वो सब। आपको भी रूम डेकोरेट नहीं करना आता हो तो एक रूम डेकोरेशन से रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो जहाँ पे आप लोगों को बताओगे कि अपना रूम कैसे डेकोरेट करते हैं, मेरा रूम तो बिल्कुल गंदा रहता है, आपका कैसा रहता है ज़रूर कमेंट करके बताना, और लोगों को अच्छा लगेगा ये जानकर कि कोई उनका रूम डेकोरेट करा सकता है, तो बनाना इसके ऊपर बहुत सारे व्यूज़ भी आएंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। यूट्यूब से कमाने का सिर्फ एक मोनेटाइजेशन ही जरिया नहीं है, बहुत से तरीके हैं कि एक आप चैनल बना सकते हो जिसपे आप हाउ टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब चैनल, इससे भी एक चैनल बना सकते हो जहाँ पे अलग अलग तरीके बताओगे आप कि यूट्यूब से कैसे पैसे कमाते हैं, नए नए तरीके जिससे कि एक कंटेंट क्रिएटर को बहुत ज़्यादा हेल्प हो। सारे टिकटॉक क्रिएटर्स भी होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि वो टिकटॉक से अर्निंग कैसे करें, तो आप एक टिकटॉक अर्निंग चैनल भी बना सकते हो जहाँ पे आप बताएंगे कि कैसे टिकटॉक से पैसे कमा सकते हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह एड्स वगैरह कैसे, सब कुछ टिकटॉक से रिलेटेड, टिकटॉक और अर्निंग से रिलेटेड बनाना आप उस पर, तो बहुत सारे लोग देखना पसंद करते हैं। बहुत से लोगों का रूटीन ही नहीं होता, तो आप एक रूटीन चैनल बना सकते हो जिसमें आप लोगों को शेड्यूल्ड रहना सिखा सकते हो, डेली वीकली आवरली या मंथली, कि कैसे क्या कुछ करना चाहिए उन्हें मंथ में या वीक में, तो बहुत सारे लोग देखना पसंद करेंगे क्योंकि उनकी लाइफ अनस्टेबल है, चीज़ों का पता ही नहीं, तो मैं खुद भी देखना पसंद करूंगा भाई। गाइस अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियोस यूट्यूब से रिलेटेड चाहते हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है ये वीडियो बनाते हुए, तो एक लाइक तो बनता ही है, और कमेंट करके अगर आपके दिमाग में एक न्यू आइडिया है तो बताना, और इनमें से किस टॉपिक पे आप चैनल बनाओगे वो ज़रूर कमेंट करना, मैं ज़रूर चेक करूंगा आपका यूट्यूब चैनल। अगर आप में से कोई भी एक बंदा टीचर है या बहुत से लोग होंगे या बनना चाहते होंगे, तो आप एक
टीचर गाइड चैनल खोल सकते हो, जहाँ पे आप कैसे एक अच्छा टीचर बना जाता है, कैसे अपने स्टूडेंट को इंगेज करके रखा जा सकता है कि हम अपने स्टूडेंट से ना कि एक गुस्से की वे में एक प्यारी तरह से पढ़ाया कैसे जा सकता है यार, समझ रहे हो ना। तो बहुत सारे लोग देखना चाहेंगे कि कैसे टीचिंग अच्छे से हो सकती है प्रॉपरली सब कुछ, तो इस पे भी चैनल बनाना बनता है, ब्रेकअप गाइड चैनल। दोस्तों आज की डेट में बहुत से लोगों का ब्रेकअप होता रहता है, यंगस्टर में तो होता ही रहता है, तो उनको क्या हील करने के लिए कि कैसे मूव ऑन करें या फिर कैसे अपनी एक्स को वापस लाए, इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर एक लव गुरु हैं तो ज़रूर इस चीज़ पे चैनल बनाएं, और बहुत सी ऑडियंस है जो देखना पसंद करेगी और आपका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। GFBF चैनल, मतलब गाइज आप उस चैनल पे ये बताओगे कि एक गर्लफ्रेंड कैसे पाते हैं, एक बॉयफ्रेंड कैसे पाते हैं, कैसे अपने क्रश को अट्रैक्ट करें, ये करें अपने मतलब बॉयफ्रेंड से कैसे और ज़्यादा क्लोज आए, इस तरह की बहुत से लोग हैं जिनको ज़रूरत है, और आपका चैनल बिल्कुल तेज़ी से ग्रो करेगा। एक मास ऑडियंस है आपके पास, वेट कर रही है आपका, बस चैनल बनाओ और करो। एक फ़ोटो एडिटिंग चैनल, सिर्फ फ़ोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स ही डालना उस पर आप कि कैसे फ़ोटो को एडिट करते हैं। बहुत से लोगों को डेली लाइफ में फ़ोटो एडिट करनी पड़ जाती है, और लड़कियों को खास तौर पे, और नहीं करना आता है उनको, बहुत से लोगों को। अगर आपको भी नहीं आता है तो आप बनाते बनाते सीख सकते हो, एक चैनल बनाओ और ख़ुद भी स्किल आपकी डेवलप होगी और दूसरों की भी, और यहाँ पे लाखों में मिलियंस में व्यूज़ आते हैं रेगुलर मंथ पे, मतलब मंथली व्यूज़। तो एक बहुत अच्छा स्कोप है फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स में, वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल। जी हाँ, बहुत से लोगों को वीडियो एडिटिंग भी नहीं आती, और उनको चाहिए कि उनके इम्पोर्टेंट काम के लिए, फाइल्स के लिए वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको आती है तो एक चैनल बनाओ और बहुत सारी ऑडियंस को इकट्ठा कर लो और ट्रस्ट बिल्ड कर लो, और अच्छी तरह से उन्हें एडिट करना सिखाओ, डिटेल में, इन डेप्थ में, फ़ोन पे या लैपटॉप पे, मतलब एक चीज़ पे बताना। अगर फ़ोन पे बताओ तो फ़ोन पे ही होनी चाहिए सारी वीडियोस, और लैपटॉप पे बताओ तो सारी PC से रिलेटेड होनी चाहिए वीडियोस। एक ब्रांड के लिए क्या ज़रूरत होता है, एक लोगो मेकिंग चैनल आप बना सकते हो, जिसमें आप दूसरे लोगों को बताओगे कि एक लोग लोगो कैसे बनाते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, नहीं ये यूट्यूब चैनल बनाते हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट खोलते हैं, एक ब्रांड अकाउंट, तो उन्हें नहीं पता होता कैसे एक लोगो बनाते हैं प्रोफेशनल लोगो। तो आप सिर्फ और सिर्फ लोगोज़ के ऊपर ट्यूटोरियल डालना कि कैसे लोगो बनते हैं, कैसे अलग अलग टाइप के, और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, लेकिन डालना सिर्फ लोगो से रिलेटेड वीडियो कि हाउ टू मेक लोगो। इंट्रो मेकिंग चैनल, गाइज आपको सिर्फ इंट्रो बनाना सिखाना होगा, एक ट्यूटोरियल देना होगा, फ़ोन पे हो सकता है फोटोशॉप, फ़ोन पे हो सकता है या एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह पे, लेकिन स्टिक टू द मतलब फ़ोन पे या फिर एडोबी पे। तो आपको सिखाना है कि इंट्रो कैसे बनाते हैं, हर मतलब सिर्फ सारी वीडियोस इंट्रो से रिलेटेड होनी चाहिए, और बहुत सारी ऑडियंस है जिनको इंट्रो चाहिए होते हैं डेली लाइफ में, अपने यूट्यूब चैनल पे लगाने के लिए, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी। आपको बस बनाते रहना है सिर्फ हाउ टू मेक इंट्रो ट्यूटोरियल, अलग अलग टाइप के इंट्रोज आप सिखा सकते हो लोगों को। टॉप 5 गेम्स करके चैनल बना सकते हो, जहाँ पे आप, बहुत से लोग हैं जिनको नए नए गेम्स खेलने का शौक है और उन्हें नहीं पता होता कौन सा बढ़िया बढ़िया गेम है, तो आपको बस प्ले स्टोर पर जाके चेक करते रहना है कौन से नए गेम आ रहे हैं, और बहुत सारी ऑडियंस है जो वेट कर रही है नए नए गेम्स का। तो आपको बस स्टिक टू द नीश, आपको सिर्फ गेम्स, टॉप 5 गेम्स से रिलेटेड ही वीडियोस बनानी है, अलग अलग टाइप के, 50 MB, 200 MB, 1000 MB, ऐसे करके आप वीडियोस बना सकते हो। टॉप 5 गेम्स अंडर 50 MB, अंडर 1000 MB, ऐसे करके। टॉप 5 ऐप्स, भाई दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको नई नई ऐप्स चलाने का शौक है, यूनिक यूनिक ऐप, तो आप टॉप 5 ऐप से रिलेटेड एक चैनल बना सकते हो। पॉइंट इज दैट यू स्टिक टू द नीच, और कंसिस्टेंट रहना और कंटेंट प्रोवाइड करना, एकदम अमेजिंग अमेजिंग टॉप 5 ऐप्स लाते रहना, और आपका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो होएगा, मतलब लाखों में मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं आज भी लोगों के इस नीच में। टॉप 5 मूवीज़ देखना तो आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन लोगों को यही नहीं पता बढ़िया मूवी है कौन सी, तो आप एक चैनल बना सकते हो जिस पे आप मूवीज़ देख के रिकमेंड कर सकते हो बंदों को, लोगों को, टॉप 5 मूवीज़ कौन सी हैं, टॉप 5 हॉरर मूवीज़, टॉप 5 कॉमेडी मूवीज़, ये सब, और बहुत ही मिलियंस के भी पार व्यूज़ आएंगे, क्योंकि लोगों को मूवी देखना पसंद है, और अगर उन्हें बढ़िया बढ़िया रिकमेंड करोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो आपके। टॉप 5 वेब सीरीज़, गाइज अब तो मूवीज़ का ज़माना जा चुका है और आ चुकी है वेब सीरीज़, तो आप लोगों को बता सकते हो 5 सबसे ज़बरदस्त वेब सीरीज़ कौन सी है,
और बहुत सी लोग देखना चाहेंगे हॉरर म्यूजिक, मतलब हॉरर हो गई रिलेशनशिप से, कॉमेडी से रिलेटेड, और मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। और बस कंसिस्टेंटली आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहना है, चैनल सब्सक्राइब अपने आप होता जाएगा। हॉरर व्लॉगिंग चैनल गाइस, एक व्लॉगिंग चैनल को कोई भी नहीं देखता जब तक उसमें कुछ हो ना, कोई ऐसी चीज़ ना हो देखने लायक। तो आप एक हॉरर व्लॉगिंग चैनल बना सकते हो। डेली लाइफ में आपको बस रात को व्लॉगिंग करनी है और डरावनी डरावनी जगहों पे व्लॉगिंग करनी है। ये एडवेंचरस भी रहता है और हॉरर गेम्स भी खेल सकते हो आप उसी चैनल पे, हॉरर प्रैंक्स ऐसे कुछ करके। और बहुत सारे लोग जिनको भूत में इंटरेस्ट है वो आपके चैनल देखना बिल्कुल पसंद करेंगे। एक फूड ब्लॉगर बन सकते हो भाई आप, अगर आपको फूड खाने का बहुत ज़्यादा शौक है तो लोगों को जगहें रिकमेंड कर सकते हो, होटल्स, मतलब होटल्स वगैरह जहाँ पे, रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पे अच्छा अच्छा खाना मिलता है, तो बहुत से लोग देखना पसंद करेंगे। और आप उससे स्पॉन्सरशिप भी बहुत ज़्यादा ले सकते हो और बहुत अच्छी तरह आपका ये यूट्यूब चैनल ग्रो। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैनल बना सकते हो आप। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टर्म को नहीं जानते तो आप जाके गूगल कर सकते हो और द सीक्रेट बुक पढ़ सकते हो। मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ उस चीज़ से। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आपको पता चल जाएगा और उस पर क्या है, वो बिलीफ सिस्टम पे काम करती है। तो आप उससे रिलेटेड वीडियोस बना सकते हो और एक मास ऑडियंस गेन कर सकते हो। एक बहुत लॉयल ऑडियंस बनेगी आपकी, जितने मतलब 10-15 हज़ार व्यूज़ आएंगे वो डेली ही आएंगे। तो आप इस नीश पे बहुत ज़्यादा जोर डाल के एक वीडियो, मतलब वीडियो चैनल क्रिएट कर सकते हो और बहुत तेज़ी से आपका चैनल ग्रो होएगा। बस थोड़ी सी नॉलेज रख लेना इस चीज़ के। वाइज हाउ टू गेन फैट के ऊपर आप एक चैनल बना सकते हो, क्योंकि मेरे जैसे जो पतले लोग हैं उनको मोटापे की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो बहुत से लोग देखना पसंद करेंगे और आप एक कंटेंट, एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करना जिससे कि वो रियलिटी में मोटे हो जाएं और बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, व्यूअर्स बढ़ेंगे आपके, बस ऐसे ही काम करें। गाइज आप एक मोटिवेशन चैनल खोल सकते हो जहाँ पे आप स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करोगे कि वो अपना डेली सुबह जल्दी कैसे उठें, कैसे मार्क्स अच्छे लाएं, कैसे पढ़ें, कैसे स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करें। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं यार इस दुनिया में, आप उन सभी को सिखा सकते हो और एक टीचर की वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। गाइज आप एक बुक्स के ऊपर चैनल बना सकते हो जिसमें आप बुक्स की रीडिंग करोगे और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दोगे उन बुक्स का, और वहाँ से अगर वो बाय करेंगे तो आप अपना एफिलिएट लिंक डालना जिससे कि आपको भी थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाए, आपके एडसेंस से रिवेन्यू मिलेगा और आपको वो एफिलिएट मार्केटिंग से भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो बुक्स को रीड करना चाहते हैं, उनकी समरी सुनना चाहते हैं। गाइज आप एक फैक्ट चैनल बना सकते हो जहाँ पे आप जो दुनिया के अजीब अजीब और गरीब बातें हैं उनको फैक्ट्स के रूप में रिप्रेजेंट करके, या फिर पुरानी बातें, या फिर जो नए कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं उनके ऊपर एक फैक्ट चैनल बना सकते हो। गाइस आप एक इंस्टेंट कर्मा करके चैनल बना सकते हो जिसमें आप ना यूट्यूब से ही क्लिप्स उठाओगे जहाँ पे लोगों के साथ वो कुछ गलत काम करते हैं और उनकी सज़ा उनको जभी की जभी मिल जाती है। और ये बहुत से लोग देखना पसंद करेंगे, मैं भी देखना पसंद करूँगा और रैंडम कोई भी बंदा देखना पसंद करेगा, तो आपका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो भी होगा। गाइज आप एक चैनल बना सकते हो जहाँ पे आप एफिलिएटिंग मार्केटिंग के बारे में बता सको कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होती है, कैसे करते हैं। वहीं पे एफिलिएट के लिंक्स भी डाल सकते हो और प्रोवाइड कर सकते हो, और जो एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं उन जैसे ऑडियंस को ग्रो करो। और बहुत सारे लोग हैं जिनको कमीशन कमाना है छोटी छोटी मोटी बड़ी बड़ी चीज़ों पर, तो बहुत लाभदायक रहेगा ये आपके। आप एक कस्टमाइजेशन के ऊपर चैनल बना सकते हो जिसमें कि आप फ़ोन को कस्टमाइज़ करते हुए बताओगे कि ये नया वॉलपेपर, नया लॉन्चर किस तरह, कैसे, कौन सी टॉप ऐप्स हैं जिससे हम फ़ोन को और ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकें। और मैं भी, और बहुत से लोग हैं जिनको अपने फ़ोन की लुक है वो वैसे नहीं पसंद, लॉन्चर वगैरह थीम वगैरह अप्लाई करके अच्छा लगेगा। चैनल बना सकते हो हाउ टू गेट स्लिम के ऊपर कि पतला कैसे होए। बहुत से लोग हैं जो मोटा हैं और उनको नहीं पता कि वो क्या ऐसा खाएं, क्या ऐसे एक्सरसाइज करें, कौन सी मेडिटेशन करें, कौन सी योगा करें जिसके कारण वो पतले हो सके। तो आप बहुत से लोगों का फ़ायदा करा सकते हो। और एक बहुत सारी जनता है जो मोटा है, मोटी है, मोटा है, पतला होना चाहती है। ऐसा आप एक चैनल बना सकते हो जिसमें आप मूवीज़ की मिस्टेक्स, सॉन्ग्स में क्या मिस्टेक्स हैं वो हाईलाइट करके दिखाओगे। और बहुत से लोग हैं जो देखना चाहते हैं कि इस मूवी में या इस सॉन्ग में क्या ऐसी मिस्टेक रह गई, और बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं। ये बात आपको भी पता होगी कि
कि 35 मिस्टेक्स इन 3 इडियट्स या ऐसा कुछ करके, और बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। रिसेंट जो भी मूवी होगी उसके ऊपर बनाना। जो सॉन्ग्स होते हैं उसका ट्रांसलेशन, जैसे कोई इंग्लिश में गाना है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके एक चैनल बना सकते हो, या फिर पंजाबी गानों का हिंदी में एक्सप्लेन करके जो पॉपुलर हैं या फिर जो नए रिलीजेज हैं तो उस पर भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। ज़रूर ट्राई करिएगा या इस फिर ट्रिक को। मीम्स रिव्यू करके भी चैनल बना सकते हो, क्योंकि आजकल लोगों को मीम्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मीम्स के ऊपर कमेंट्री भी चाहते हैं। और एक बहुत सारी ऑडियंस है जो आपका वेट कर रही है, जैसे कि साइमन सेज भी करते हैं, इसी तरह कुछ आप भी कर सकते हो। और एंटरटेन करने की कोशिश करना कंसिस्टेंटली और कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करना, बहुत तेज़ी से ग्रो करोगे आप। गाइज, आप एक मोटिवेशन फॉर लाइफ करके एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को जो निराश है अपनी ज़िंदगी से, जिनको कुछ पाना है अपनी ज़िंदगी में, उनको मोटिवेशन दे सकते हो। और उनमें से मैं भी हूँ, मैं भी देखना पसंद करूँगा आपकी इस वीडियो को। बहुत सारी ऑडियंस है, बस आपको डेडिकेटेडली वीडियो बनानी है, ज़बरदस्त मोटिवेशन देनी है। लेकिन स्टिक टू द पॉइंट, मोटिवेशन से बाहर मत जाना लाइफ मोटिवेशन के बाद। मोटिवेशन फॉर यूट्यूबर्स, ऐसा तो कोई चैनल ही नहीं बना हुआ। आप इसके ऊपर एक चैनल बना लो और सिर्फ मोटिवेशन यूट्यूबर्स के लिए निकालो, और बहुत तेज़ी से ग्रो होगी, क्योंकि ऐसा कोई चैनल ही नहीं है जो खाली मोटिवेशन यूट्यूबर्स के निकाल रहा हो। बहुत तेज़ी से ग्रो होगी आप। गाइज, आप बायोग्राफी बना सकते हो जो नई फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जो अभी अभी फेमस हुए हैं। जैसे रिसेंटली कोई भी कुछ भी होता है, जैसे किसी की डेथ होती है, कोई नया स्टार बनता है एकदम से, तो उसके ऊपर बायोग्राफी बना सकते हो। जैसे कि दिनचक पूजा एकदम से फेमस हुई, या फिर भुवन बम, नहीं मतलब जो एक एक रात में फेमस हुआ है ऐसे लोगों की, जैसे कैरीमिनाटी की एकदम वीडियो वायरल हुई है, तो कैरीमिनाटी पे बायोग्राफी बना दो तो बहुत तेज़ी से ग्रोएंगे और मिलियंस में व्यू आएंगे भाई। ट्रेंडिंग टॉपिक पे डिस्ट्रैक्ट्स, भाई जो भी नया ट्रेंड आता है, कुछ भी यूट्यूब पे कोई भी चीज़ वायरल होती है उसके ऊपर डिस्ट्रैक्ट बना दो या फिर सॉन्ग बना दो, और वो लोग देखना पसंद करेंगे, क्योंकि वायरल चीज़ है तो क्लिक करेंगे, और आपके डिस्ट्रैक्ट में दम हुआ तो वो और ज़्यादा बारी बारी सुनेंगे, और उससे आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। आप सैड रैप सॉन्ग्स पे एक चैनल बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सैड रैप सॉन्ग डालने हैं जी, मतलब दर्द ही दर्द डालना है आपने उस चैनल पे, और एक रैप की भाषा में राइम करते हुए लिखते जाना है, लिखते जाना है, और बहुत सारे लोग देखेंगे, सुनेंगे, पसंद करेंगे। स्टिक टू द नीश ब्रो। मोटिवेशनल रैप सॉन्ग हर किसी के लिए, मतलब कि स्टूडेंट हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, हर किसी, मतलब एक ऐसी तरह से मोटिवेशन कि हर किसी को वो जाके दिल पे लगे और पूरी दुनिया ही आपको देखना पसंद करेगी ना भाई। गाइज, मेरी अगली वीडियो आएगी 10 टिप्स फॉर स्मॉल यूट्यूब क्रिएटर्स, और उनको एकदम से बूस्ट कर देगी वो उनके चैनल को, और मचा डालोगे तुम सब यूट्यूब पे। और सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, इंस्टाग्राम पे जाके अभी के अभी फॉलो कर लो।